तहत गिरफ्तारी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रक्रिया मनमानी नहीं, मामला बड़ी बेंच को भेजा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, कांग्रेस के हंगामे पर जेपी नड्डा बोले गांधी परिवार को बचाने की हो रही है कोशिश। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार, बिहार में चार जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। मंकी पॉक्स को लेकर भारत में भी बड़ा खतरा, यूपी बिहार के अलावा कई राज्यों में जारी किया गया अलर्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं केएल राहुल, रोहित के साथ ऋषभ पंत को मौका। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है, शासन प्रशासन की कोशिश के बाद भी कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन रोक नहीं लगा पा रही है। सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार शहर में 52 एक्टिव केस हो गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएमएस अनिल निगम ने इमरजेंसी ओपीडी और वार्डो का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी मरीजों के तीमारदारों को कोविड के लिए जागरूक करते हुए मास्क बांटे, साथ ही उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि बिना मास्क के अब अस्पताल में एंट्री नहीं होगी। तो आपको बताते चले कि जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उद्योग नगरी कानपुर में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक बार फिर एक्टिव मरीजों की संख्या 52 पहुंच चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ अब नजर आ रहा है। लोगों को जो है कोरोना के प्रति डर खत्म हो गया है। मैंने देखा अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए थे, मास्क जो लगाया है वो भी गलत तरीके से लगाया था। मैंने सबको निर्देश दिया कि जो है सभी लोग मास्क लगाएं, और मास्क लगाएं तो कायदे से लगाएं। अगर मास्क अगर नाक और मुंह के नीचे है तो उसका कोई मतलब नहीं है। डेली मैं जब आता हूँ हॉस्पिटल में तो एक बार जरूर देखता हूँ, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे जो कोरोना का डर खत्म हो गया है, लेकिन जो कोरोना केसेज इस समय काफ़ी बढ़ रहे हैं और सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो पहले जैसे हमने कोरोना का मात दिया था उसी तरह से फिर हमको करना पड़ेगा। जनरल प्रॉपर दूरी मेंटेन करना पड़ेगा, हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा और मास्क जरूर लगाना पड़ेगा। हरदोई के शाहबाद नगर में नाबालिग युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वह युवती की मां ने युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद युवती की मां क्षेत्राधिकारी के पास पहुंची और युवक के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। महिला जो कि मौलागंज शाहबाद की रहने वाली है, उन्होंने एक तहरीर दिया कि उनके नाबालिग पुत्री के साथ जो कि मार्केट में सब्जी लेने गई थी, कस्बे का ही एक युवक जिसका नाम तहजीब है पहला फुसलाकर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। उनके आरोप के आधार पर मैंने तुरंत जो है प्रभारी निरीक्षक शाहबाद को निर्देशित किया कि जाँच कर उचित विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अधिकारी के पास अब वो पहुंची है, जहां उन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे उनकी बेटी को न्याय मिल सके। वहीं खबर हरदोई से निकल के सामने आई है, जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला निकल के सामने आया, लेकिन युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आहत होकर युवती की मां अब क्षेत्राधिकारी के दरवाजे पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई, जिससे उनकी बेटी को न्याय मिल सके। जहां एक तरफ ये
बात तो प्रदेश सरकार द्वारा डंके की चोट पर कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, बच्चियां, युवतियां सभी सुरक्षित है, तो आखिर फिर इन सारी वारदातों का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों युवकों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि वो किसी भी ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले कुछ सोचते नहीं है? क्या उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है? क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब भी कोई ऐसी खबर निकल के सामने आ रही होती है, क्योंकि लगातार ये वादे और दावे किए जा रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन दुष्कर्म के मामले लगातार हर दिन हर जिले से निकल के सामने आते हैं। प्रयागराज में साल 195 से संचालित हो रहे विद्यालय को आज तक भवन नहीं मिला। आलम यह है कि किराए के मकान में संचालित हो रहे विद्यालय का अध्यापक अपने तनख्वाह से ही किराए देते हैं। आपको बता दें कि विकास खंड में आने वाले बीरवल ग्राम सभा का ये पूरा मामला है, जहां जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, और इस प्राइमरी स्कूल में करीब 6 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं जो किराए के मकान में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। विद्यालय के हेडमास्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आज तक इस विद्यालय के बच्चों को एक भवन नहीं मिल पाया है। ये 21वीं सदी की तस्वीरें हैं जो प्रयागराज से निकल के सामने आ रही है, जहां 195 साल से एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है, लेकिन आज तक उस विद्यालय को एक भवन नहीं मिल पाया, और उस विद्यालय के जो भी टीचर्स हैं वो अब किराए के कमरे में ही बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ अध्यापक अपने तनख्वाह से ही उस कमरे का किराया देते हैं। इस मामले पर एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि अगर विद्यालय के जो टीचर्स हैं वो इस मामले पर एक्टिव नहीं होते, उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं होती, तो आखिर इन बच्चों की पढ़ाई कहाँ जाती? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में 195 साल से एक विद्यालय जो है वो संचालित हो रहा है, लेकिन उस विद्यालय को आज तक आखिर भवन क्यों नहीं मिल पाया? रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार द्वारा शिक्षा को लोगों में काफी सजगता तो दिखाई जा रही है, लेकिन जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा एक ऐसा विद्यालय है जो संचालित किया जा रहा है, जो किराए के कमरे में संचालित हो रहा है, जिसका किराया विद्यालय में जो नियुक्त है अध्यापक वो अपने वेतन से दे रहे हैं, क्योंकि अगर अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा वेतन नहीं दिया जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं वो जसरा विकास खंड अंतर्गत आने वाले बीरवल ग्राम सभा की है, जहाँ जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, और इस प्राइमरी स्कूल में लगभग आधा दर्जन अध्यापक नियुक्त किए गए हैं जो किराए के कमरे में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने प्राइम टीवी से खास बातचीत में बताया कि जिला समाज कल्याण विभाग ने सन 1959 में संचालित हो रहे इस विद्यालय का आज तक अपना को भवन नहीं मिल पाया है। इस विद्यालय का जो किराया है उन्हें समाज कल्याण विभाग से नहीं मिलता। अन्य अध्यापकों ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कॉपी किताब और पेंसिल है वो अध्यापक अपने जेब पैसे से निकाल के लाते हैं। हालांकि अगर बात की जाए अन्य स्कूल परिषदीय विद्यालयों की, तो जो ये विद्यालय है इसमें और अन्य परिषदीय विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या है वो निश्चित रूप से काफी अंतर है, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में अमूमन देखा जाता है कि 10 से 15 बच्चे ही विद्यालय में पढ़ने आते हैं, लेकिन इस मौजूदा समय की बात की जाए तो लगभग 100 से ज्यादा छात्रों की जो उपस्थिति है वो भी देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से जो तस्वीर है एक बड़ा सवाल को खड़ा करती है कि देश के जो नौनिहाल है उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल पवन, अगर देखा जाए तो ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता पवन कि अगर इस विद्यालय के अगर टीचर्स अपनी तनख्वाह से किराया ना देते तो आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या कहां जाता, इन बच्चों के भविष्य का क्या होता? जी बिल्कुल मुस्कान, जो हेडमास्टर है रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने जब बातचीत में बताया तो उनका ये भी कहना है कि आने वाले 2 सालों में वो रिटायरमेंट उनका होने वाला है और उनको इन बच्चों की बड़ी चिंता, इनके भविष्य की बड़ी चिंता है। उन्होंने मतलब कह लीजिए कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि जिन बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंधेरे में दिख रहा है, तो उन्होंने एक अपील भी की है प्राइम टीवी के माध्यम से कि सरकार इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। और निश्चित रूप से जो तस्वीर है बहुत बड़े सवाल को खड़ा कर रही है कि आखिर एक तरफ जहाँ शासन नौनिहालों के उच्च शिक्षा के लिए या उनके जीवन में बढ़िया चीजों के लिए लगातार दावे और वादे करती आ रही है, तो जमीनी स्तर पर जो तस्वीर है करती है और ये बच्चों के जो भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पवन पटेल इस खबर पर जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
विद्यालय संचालित हो रहा है, कौन सा गांव है, अगर विद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की पठन पाठन? जैसा कि हम बताना चाहते हैं आपको, ये बिरोल गांव का विद्यालय है, यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय भी है, उससे उच्च कोटि की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और यहाँ के जो बच्चे हैं सब इनसे आप पूछ लीजिए, एक नंबर के पढ़ने वाले हैं, और सरकारी स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है, और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था जो भी है सुपर व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू पांडे है। संगम नगरी प्रयागराज के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बिरवल गांव में हूं, और यह मेरे पीछे की तस्वीर है। पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए, जो जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है एक विद्यालय है। अगर विद्यालय की बात की जाए तो किराए के कमरे में यह विद्यालय संचालित हो रहा है। अब इसमें जो सबसे मुख्य वजह है, मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं, बातचीत में शिक्षकों ने बताया कि इस जो कमरे का जो भवन का किराया है वो शिक्षक अपने सैलरी से देते हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, तो निश्चित रूप से यहाँ जो छात्रों की संख्या है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरफ जहाँ शासन देश के नौनिहालों के बात करती है, और अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों को स्मार्ट सिटी बना रही है, और जो जो तस्वीर है निश्चित रूप से एक बड़े सवाल को खड़ा करती है। हमारे साथ इस विद्यालय के शिक्षक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि यह विद्यालय किस तरह से संचालित हो रहा है, और इस विद्यालय में किस तरह की चीज़ें हैं जो देश के नौनिहालों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। सर, ये जो विद्यालय है ये किस तरीके से आप लोग यहाँ पे चला रहे हैं, और ये किस तरीके से कौन से संस्था से चल रहा है, कैसे आप लोग चला रहे हैं? ये हमारा विद्यालय जिला समाज कल्याण द्वारा संचालित होता है, और मान्यता हमको भी वहीं विभाग द्वारा पहले मिलता है, उसके बाद हमको अनुदान विभाग द्वारा मिलता है समाज कल्याण द्वारा। तो हमारे यहाँ स्टाफ 5 लोग हैं, और हम ये विद्यालय पहले कहीं और चलता था, तो विद्यालय का भवन न होने के कारण फिर हम लोग किराया, चूँकि हम ही अपने वेतन से हम लोग इसका पेमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ हम लोगों ने आए, करीब करीब हमको यहाँ आए भी हो गया है 6-7 साल। तो हमारा विद्यालय आप संख्या देख रहे हैं, संख्या हमारे यहाँ कम नहीं है बच्चों की, हमारे यहाँ 5 अध्यापक हैं और संख्या अच्छी है। रह गई बच्चों की सुविधा की, तो सुविधा में जो प्रसिद्धि विद्यालय में मिड डे मील है या बुक है या ड्रेस है, तो वो उनको भी मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है। हम लोग अब प्रयास करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लेट लतीफ हमको कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। बाकी चीज़ जैसे और है, पेंसिल वगैरह रबड़ है, तो कुछ हम लोग बच्चों को अपने जेब से भी खर्च करके देते हैं, और मैनेजमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। मैनेजमेंट तो हमको जब किराया भी नहीं देती है, उसकी बिल्डिंग भी नहीं है, तो वो कहते हैं हमको कुछ मिलता नहीं है, हम कहाँ से दे सकते हैं, आपको सैलरी मिल रही है आप लोग दीजिए, तो हम लोग अपने जेब से ही सारा करते हैं। और शिक्षा आप देख ही रहे हैं, हम लोग जितना हमसे संभव हो सकेगा या हो रहा है, हम लोग प्रयास करके बच्चों को शिक्षित करते हैं। बच्चे ऐसे परिवार से हैं कि जिनको नितांत आवश्यक है शिक्षा की, या बच्चे कभी नहीं विद्यालय आ पा रहे थे, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि वो बच्चे आएँ, पढ़ें और समाज में जुड़ें और समाज में आगे जाएँ, आगे भविष्य इनका बने। तो बच्चों को हम लोग इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम लोग इनको दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पे एक बड़ा सवाल को खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं, कि एक तरफ जहां शासन देश के नौनिहालों के उच्च शिक्षा की बात करती है, और ये जो तस्वीरें हैं एक बड़े सवाल को खड़ा करती हैं कि आखिर किराए के भवन में देश के नौनिहालों से इतना बड़ा मजाक क्यों। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में सिकंदराबाद कस्बे के पंजाब बैंक में रिकवरी एजेंट नीरज ने उषा देवी से 2,59,000 रुपए लिए थे। उषा देवी के ससुर कमलेश के नाम पर पीएनबी में लोन था, जिसकी वसूली के लिए एजेंट नीरज दबाव बनाता था। लोन भरने के लिए ये रकम दी गई थी, लेकिन नीरज ने पैसा खाते में जमा नहीं किया। उषा देवी ने इस मामले पर बताया कि अब बैंक ने उसका निजी खाता भी लॉक कर दिया है, जिसको लेकर उषा देवी ने पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
अलीगढ़ में लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। गिरोह के करीब 7 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें 3 लड़कियों को भी बरामद कर लिया गया है। वह इस मामले पर बताया जा रहा है कि नौकरी का झांसा देकर झारखंड से ये लड़कियां लाई जाती थी। गिरोह पर शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने का आरोप है। थाना गांधी पार्क पुलिस अब मामले के सामने आने पर उसके जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो खबर अलीगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां पर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह लड़कियों की तस्करी करता था, जिसका पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया गया है। वही गिरोह के 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। वही इस पूरे मामले को लेकर थाना गांधी पार्क पुलिस अब जांच पड़ताल में भी जुट गई है। आप कैसे आए इनके संपर्क में? आएंगे ऐसे ही संपर्क को आपका सब कैसे रहा संपर्क? हम तो हिंदू समझ रहे। अच्छा, हमें ऐसा मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ी। क्या मजाक, पुलिस में पकड़वाए थे हम तो। क्या मालूम पड़ी? कौन है ये जो है? ये मुसलमान है। अच्छा, किसके द्वारा आप चक्कर में फंस गए? अरे इसका भांजा था। क्या नाम था उसका? शाहरुख भाई। अच्छा, तो पहले तुम वहाँ पे गए भी थे? वहाँ पे झारखंड? नहीं, एक ही बार गए। एक बार? कितने दिन बात चली है इनसे आपकी झारखंड? बात तो मेरी अभी बंद भी नहीं है, आज बंद हुई है। 5 महीने हो गए। 5 महीने से कंटिन्यूस बात चली थी। 9 मार्च से बात है मेरी, पैसा लुटाए। आज कैसे आई है यहाँ पर? ये मैंने लालच दिया इनको। आज क्या लालच दिया? शादी का। क्या? कि 2 लड़के की शादी कराने में करा दूंगा, इतना रुपया लूंगा, मैंने इतना ही दूंगा, आ जा तू। मैं ऐसे आया है जैसे ये लोग। तो कितनी लड़कियां हैं, कितने जेंट्स? 2 लड़के आए हैं और 2 लेडीज हैं। 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं। इसमें मुस्लिम के हैं और हिंदू के हैं? 2 मुस्लिम हैं। 2 तो मुसलमान हैं पक्के, और लेडीज 1 पक्की है मुसलमान, बाकी मुझे पता नहीं। फर्जी आईडी कार्ड भी है इन पे? वो तो अभी भी है उनके पास। फर्जी आईडी है तो फर्जी अभी भी है। आप जाके देख लो। आपने जो बुलाया तो शादी का कह के बुलाया? हाँ, शादी का कह के बुलाया मैंने। तो आपकी शादी होनी थी? मेरी नहीं, दूसरे लड़के बताए थे। किसकी होनी थी? किसी। क्या मामला है और किस मामले को आज देखा? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि कुछ झारखंड के लोग यहाँ पर आकर महिलाओं की शादी के नाम पर तस्करी करते हैं, उन्हें बेचते हैं। उस सूचना के आधार पर हमने गांधी पार्क से अन्य पुलिस की मदद के साथ, वहाँ पर अलग अलग लोग साइड में बैठे थे, उनको एक साथ जब सूचना के आधार पर उनसे फ़ोन कराया गया, जो लोग यहाँ पर आए थे तब वो लोग आकर वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हमने गांधी पार्क चौकी के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया, वहाँ से थाने भेज दिया गया। निश्चित रूप से यह है, एक लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को वहाँ से ये लेकर आते हैं, उसमें से एक कबूल भी रहा है कि हम हिंदू लड़कियों को लाकर यहाँ पर शादी के नाम पर बेच के जाते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं, उनके पास आधार कार्ड, 2-2 आधार कार्ड पाए गए, जिसमें एक हिंदू बनकर रहता है, एक मुस्लिम। सच्चाई में वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू की आईडी का वो प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं हिंदू हैं, जिनको शादी के नाम पर लाकर, नौकरी के नाम पर लाकर अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में उन्हें बेचा जाता है। ये एक निश्चित रूप से एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती है, और पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस गिरोह का पर्दाफाश करे कि कितने अभी तक इन लोगों ने कितनी हिंदू बहन बेटियों को अब तक बेच चुके हैं और कितनों को आगे बेचने वाले थे। और पुलिस निश्चित रूप से, हम पूरा भरोसा है कि पुलिस इसका पर्दाफाश करेगी। आज शाम थाना गांधी पार्क में अतरौली निवासी राजेश नामक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसकी सूचना थाना गांधी पार्क को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, अलीगढ़ से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, तो किस तरह से ये गिरोह काम करता था और आखिर इस गिरोह का खुलासा किस प्रकार से पुलिस ने किया? जी नितेश, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो खबर अलीगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस मामले के सामने आने पर पुलिस द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है।
थाना गांधी पार्क पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। वहीं इस गिरोह के बारे में पुलिस द्वारा अब तक ये जानकारी दी गई है कि नौकरी का झांसा देकर झारखंड से लड़कियां लाई जाती थी। वहीं गिरोह पर शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले के सामने आने पर थाना गांधी पार्क पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल और तफ्तीश करने में जुट गई है। ये एक बड़ा मामला इस वक्त निकल के सामने आ रहा है अलीगढ़ से, जहां पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ पुलिस ये भी जानने में जुट गई है कि आखिर इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए थे, इस गिरोह का कनेक्शन कितना था और पहले और कितनी लड़कियां इस गिरोह का शिकार हो चुकी है। वही उन सभी लड़कियों की भी तलाश पुलिस द्वारा जल्द ही की जाएगी जो इस गिरोह में फंस चुकी थी। अलीगढ़ के देहली गेट में कार नहीं मिलने पर लड़के वाले पक्ष ने शादी तोड़ दी, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को बंदी बना लिया और उसके बाद स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। वह इस घटना के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने थाना देहली गेट पर जमकर हंगामा काटा। फिलहाल इस घटना के बाद में पुलिस ने लड़के पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ पुलिस इस मामले के सामने आने पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जहां ये कहा जाता है कि दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी एक पाप है। वही एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने आया, जहां कार नहीं मिलने पर लड़के पक्ष ने शादी तोड़ दी, जिसके बाद लड़की पक्ष ने भी दूल्हे पक्ष को बंधक बना लिया। वही इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जो दूल्हा पक्ष है उसको गिरफ्तार करते हुए आगे की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। मैं 1.5 लाख वाली गाड़ी रखी है, अब वो जो कह रहे हैं आपकी वाली गाड़ी तो भंगी चमार चलाती हैं, मैंने ये कैसे कैसे करा, आप मेरा सामान जाके देख लीजिए। कहें हमें कार चाहिए, एक देवर इरशाद, एक देवर और मैं नाम भी ज़्यादा नहीं जानूँ, एक नंदा गुड़िया, वो हैगी अभी बहुत जवान चला रही है, मैं ले आऊंगी लेकर इसको अपने भैया ना दूंगी। तो आपकी बेटी का निकाह हो गया? अभी नहीं हुआ। कहाँ से तय हुआ था संबंध आपका? ये है सिकंदराबाद का होटल कहती है सर। संभल से एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्ष के द्वारा थाने में फिलहाल अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन अगर किसी भी पक्ष द्वारा थाने में इस मामले को लेकर तहरीर दी जाएगी तो इस मामले की आगे जाँच पड़ताल भी की जाएगी। क्या नाम है उनके? जय नारायण। मुमेर ससरे का, साले का, एक का चमन, चमन एक का गोलू, एक उसके मुमेर ससरे की ससुराल का है, उसका नाम है रमेश। अच्छा, पहले कोई विवाद था इनसे? क्या मामला? पहले भी आए एक दिन मानना। अच्छा, मार के भी गए गली में यहाँ। अच्छा, गली मार के गए दे दिया, दो चार लौंडों ने बचा लिया। तो किस मामले को झगड़ा लेके चले? झगड़ा जू के मैं ना रहने की हूँ यहाँ। अच्छा, इस घर में नहीं रहने के? लड़के के मामले में? और चार बच्चे हैं। क्या नाम है इनका? नहीं नहीं, जिसने फांसी खाई इनका नाम क्या? सतपाल। उनकी आप कौन है? मैं मम्मी हूँ। क्या भाई है? तीन भाई है। तीन भाई, ये सबसे छोटे थे या बड़े? अभी पिछले। शादी कहाँ से हुई थी? शादी दौरारे से। अच्छा, दौरारे से लल्ली का ब्याह कर लिया बेटा, हाथी से बारात चढ़ाई ही मेरे ने। अच्छा, तो ससुरालियों पर आरोप लगा रहे हैं आप? मैनपुरी में 24 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ हुई। पिछले दिनों हुई लूट के बाद हत्या में वांछित 25,000 रुपए के शातिर इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 90,000 रुपए, एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। हर थाने में एक अमीर चंद शाख नामक व्यक्ति 2 लाख रुपया लूट करके हत्या की गई थी। उस घटना में 4 लोग प्रकाश में आए थे, जिनके ऊपर सभी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल इसमें से 3 लोग मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए थे। एक व्यक्ति विनय शाह के नाम का व्यक्ति
जो 25,000 का इनामी है उसकी गिरफ्तारी से थी। आज उसकी सूचना मिली कि वो कहीं और घटना के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिससे उसके पैर में गोली लगी। चिकित्सकीय उपचार के लिए उसको अस्पताल भेजा गया। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बार बालाओं के डांस के दौरान युवकों ने तमंचा लहराया और तमंचा लहराते हुए युवकों ने शादी समारोह में हंगामा करने की भी धमकी दी। बाद में पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए शादी समारोह में सुरक्षा की भी अब गुहार लगाई गई है। हमारे घर पे फंक्शन चल रहा था, शादी थी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ घुस के आ गए, लेडीज़ भी थी वहाँ, बदतमीजी करने लगे लेडीज़ के संग। हमारे जेंट्सों ने रोका तो उनके कनपुटी पे गन रख दी। अच्छा, मारने की कोशिश करी है हमारे जेंट्स को। कब की शादी थी और ये जो हथियार दिखाने वाले लोग थे कौन लोग थे? ये हमारे पड़ोस में रहता है एक लड़का, दो और एक उसका दोस्त है, उसने आके बदतमीजी करी और फिर उन लोगों ने, हमारे जेंट्सों ने मना करा तो उनके ऊपर मारने की और धमकी भी दिया उन्हें कि तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे हम, और कल लॉज में जाके तुम्हारे ना लेडीज़ को छोड़ेंगे, कोई फंक्शन नहीं होने देंगे। शादी वादी हो पाई जी? हो गई। लेकिन शादी तो हो गई, हमने अपना इंतज़ाम करके रखा था। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।